गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? चलो आज एक अपन छोटा सा टॉपिक डिस्कशन करते हैं। अपना छोटा सा टॉपिक क्या है, ये आप पहले भी अपन डिस्कशन करेंगे यूनिट के कंटिन्यूटी में। स्वास्थ्य कमिटीज कौन कौन सी हैं, या नीतियां कौन सी हैं, पॉलिसीज कौन सी हैं। जैसे अपने बात करें, पहले अपन डिस्कशन करते हैं हेल्थ कमेटी क्या है। हेल्थ कमेटी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई पर्सन या राजस्थान गवर्नमेंट उससे रिलेटेड, किससे रिलेटेड, इन कमेटियों से रिलेटेड, या कोई पर्सन, एक पर्सन है वो एक ऐसी कमेटी बनाता है कि जिसकी वजह से क्या होता है कि पूरे देश की विकास के लिए ये कमेटी क्या होती है, स्वास्थ्य की जो कमेटियां क्या होती हैं पूरे देश के विकास के लिए बनती हैं। ये पूरे उसके बाद में ये जो कमेटियां बना मेडिकल सुविधा के लिए बनाई जाती हैं। आने वाले टाइम में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है और हॉस्पिटल की स्थापना से रिलेटेड किया जाता है। कोई भी डिजीज या प्रॉब्लम चल रही है उसको कम करने के लिए, या उसको इरेडिकेट इरेडिकेट करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, ये कमेटियां बनती हैं। और ये कमेटियां क्या करती हैं, अपने स्वास्थ्य के विकास के लिए अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे ये किस लिए काम करती हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, हेल्थ प्रमोशन के लिए, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारियां उससे बचाव के लिए ये कमेटियां बनती हैं। और उसके बाद में लेटर अपने इसके बात करें कि जो डिजीज हो जाए उसको क्या करना, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट के लिए भी क्या करती हैं, ये पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो अपने देश के अंदर भी बहुत सारी 8 से 10 पॉलिसीज हैं जो काम करती हैं, जो अपन डिस्कशन करते हैं कौन कौन सी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हेल्थ कमेटी में सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ऐसा इंट्रोडक्शन लिखना है, ठीक हो। उसके बाद में अपन लिखना है प्रकार, अपन प्रकार पढ़ते हैं कितने प्रकार के, कितने टाइप्स की कमेटीज हैं, तो उसको अगर अपन पढ़ने डिस्कशन करते हैं। देखो ये लो अपने कौन कौन सी कमेटी हैं, ये प्रकार हैं, या ऐसे बोल सकते हैं ये टाइप्स हैं कमेटियों के। जैसे सबसे पहले अपन बात करें भोर कमेटी। भोर कमेटी BHORECOMMITTEE, भोर कमेटी। भोर कमेटी का मतलब है, ये देखो यहाँ पे है कि इसका चेयरमैन कौन, सर जोसेफ भोर। मतलब इसको किसने दिया था, सर जोसेफ बोर ने 1946 के अंदर इसको दिया था। तो देखो सबसे पहले अपन पहले देखते हैं कौन कौन सी कमेटीज हैं। पहले नंबर की भोर कमेटी है, सेकंड नंबर की मुदालिया कमेटी है, थर्ड नंबर की चड्डा कमेटी है, फोर्थ नंबर की मुखर्जी कमेटी है। मतलब ये जो कमेटियां होती हैं कि जो भी एक पर्सन जिसने इस कमेटी का क्या संचालक किया हो, या इसका जो अध्यक्ष हो, या इसको लेके आए, उसी के नाम से कमेटी बना दी। एक जंगल वाला कमेटी बना दी, करतार सिंह कमेटी हो गई, श्रीवास्तव कमेटी हो गई, और रूरल हेल्थ स्कीम, राष्ट्रीय या फिर ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, जिसको नेशनल रूरल हेल्थ मिशन भी कहा जाता है। तो बेसिकली कितनी सारी कमेटियां होगी, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, भोर कमेटी, मुदालियर कमेटी, चड्डा कमेटी, मुखर्जी, जंगल वाला, करतार सिंह, श्रीवास्तव, एनआरएचएम, रूरल हेल्थ स्कीम, ये भी क्या कमेटी है। अब जैसे अपने फर्स्ट भोर कमेटी, तो भोर कमेटी का मतलब है सर जोसेफ भोर ने इस कमेटी का नाम दिया था, इसलिए उसी के नाम से बनाया। और ये कब बने, 1946 के अंदर। इसकी मोस्टली प्रॉब्लम्स, जैसे अपने मैंने पहले यह डिस्कशन किया था, इसके क्या अनुशंसाएं की गया, किस लिए बनी, ये सभी प्रशासनिक स्तरों पर निरोधक और उपचार सेवाओं को एकीकरण करने के लिए बनी। 10 से 20 हजार की जनसंख्या पर कितने अस्पताल होना चाहिए, 75 बिस्तर वाले चिकित्सा और प्राथमिक स्वास्थ्य इकाइयों का विकास करना होता है। और जो जिला अस्पताल है उसके अंदर कितने, 650 से 2500 बिस्तर वाले हॉस्पिटल होना चाहिए। इस ऐसी दीर्घकालीन, मतलब आगे की सोचना के लिए ऐसी दी, ऐसा है नहीं, आज भी नहीं है। 20 से 30 हजार पॉपुलेशन पे क्या है, ओनली फॉर 6 बेडेड। पीएससी पे मोस्टली क्या है, 6 बेड की ही क्या है कैपेसिटी होती है। मतलब आज से 20 हजार पॉपुलेशन, ओनली 6 बेड है।
छह बेड की स्ट्रेंथ होती है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मोस्टली 200 से 300 बेड का ही बनाया जाता है, समझ में आ गए। तो ये कमेटी अभी पूरी तरह से इसके जो नॉर्म्स बने ये आगे के बने हैं, लेकिन इसको कभी ना कभी ये भी लागू होगा। नेक्स्ट अपन कमेटी की बात करें, मुदालिया कमेटी, ये 1962 के अंदर आई थी। इसका भी यही था कि 4000 पॉपुलेशन, 40,000 जनसंख्या अपन ने रखना, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 40,000 से अधिक जनसंख्या, मतलब 40,000 से ज्यादा पॉपुलेशन से कम पे बनाना है, और उपखंड या जिला चिकित्सालय विकास और दृढ़ीकरण करना है। नर्सिंग कर्मियों, जन स्वास्थ्य नर्स, लेडी हेल्थ विजिटर, एनएम की संख्या में वृद्धि करना होता है, और प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा के, मतलब सबकी एक ही चीजें, हॉस्पिटल से रिलेटेड, डीएस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एएनएम या जीएनएम या नर्सिंग कर्मचारी कितने पॉपुलेशन में, उससे रिलेटेड इसने कमेटियों ने अलग अलग व्यू दिए थे। ये देखो चड्डा कमेटी ने क्या किया 1963 के, इसने किसने दिया था, डॉक्टर एम एस चड्डा ने। ये अलग ही अपना कॉन्सेप्ट लेके आया कि 5000 पॉपुलेशन पे क्या होना चाहिए, एक कार्यकर्ता रखना चाहिए। उस टाइम मलेरिया सबसे ज्यादा स्प्रेड होती थी और सबसे ज्यादा लोग मरते थे, इसलिए 5000 पॉपुलेशन पे क्या होना चाहिए, एक कार्यकर्ता रखना चाहिए, जो एक जो भी क्या करे कि जो भी डिजीज फैले उसको पहले ही उसको बता दिया स्प्रेड किया। परिवार नियोजन स्वास्थ्य के लिए था, 3 से 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स के निरीक्षण का उत्तरदायित्व है सौंपना चाहिए। पहले मलेरिया चलता था, मलेरिया को कम करने के लिए भी इन लोगों को लगाया जाता था। फैमिली प्लानिंग का मतलब उसी टाइम से चला, आज इंडिया के अंदर पूरी तरह फैमिली प्लानिंग लागू नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आप कितने भी बच्चे पैदा कर सकते हो वो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन उसने 1963 में दे दिया था कि फैमिली प्लानिंग आनी चाहिए कि ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़े। वो कब की बात है, देखो 1963 के अंदर 60 साल पहले उसने इस चीज के अंदर बताया था, तो इसलिए इनके नाम पे रखा गया था। नेक्स्ट है मुखर्जी कमेटी, उसका भी ये चेंज था, एक जिला सब नर्सिंग सुपरवाइजर को, नर्सिंग सुपरवाइजर की नियुक्ति होनी चाहिए, ये आजकल अभी होने लग रहा है काफी टाइम से। लेडी हेल्थ विजिटर भी होना चाहिए और स्वास्थ्य के ढांचे को अच्छी तरह बनाए, फैमिली नियोजन का कार्य होना, फैमिली नियोजन स्वास्थ्य सहायकों की होना चाहिए, और नियोजन का मतलब अच्छी केयर, एमसीएच केयर, चाइल्ड केयर, अच्छा पानी, टीकाकरण, और दूसरी चीज की अपन बात करें कि इंस्टीट्यूशनल या डिलीवरी कहाँ होनी चाहिए, हॉस्पिटल में डिलीवरी होनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट है जंगल वाले का भी यही चीज है कि कोई भी लोग हैं जो डॉक्टर्स हैं, ये 1967 में आई, निजी प्रैक्टिस की मनाही होनी चाहिए, मतलब कोई भी आदमी निजी प्रैक्टिस नहीं करे, ओनली फॉर गवर्नमेंट प्रैक्टिस करे। स्वास्थ्य कर्मी की अच्छी स्थितियां होनी चाहिए, अगर पेमेंट ज्यादा होगा, अच्छी ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारी होंगे तो अच्छी सुविधा मिले, अतिरिक्त योग्यता को मान्यता देना चाहिए, ऐसा नहीं जैसे पहले ओनली डिप्लोमा कोर्स चलते थे, आजकल भी सरकार में डिप्लोमा कोर्स चलते हैं, इसके लिए कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। जैसे अभी बात करें एएनएम है, अभी जीएनएम है, ये भी डिप्लोमा है, तो बीएससी नर्सिंग है, अभी एजुकेशन का लेवल बढ़ गया है, तो इन कोर्स से ज्यादा इन कोर्स पर रुझान देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का कोई कैडर नहीं है, न गवर्नमेंट ने कैडर बना रखा है कौन से डिजिट से कौन से काम करेंगे। तो ये इतने सारे क्या थे, तो कार्यक्रम थे। तो आपके एग्जाम में अगर ऐसा आता है तो आप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। ओके, बाय बाय।